हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम ग्रिजेश कुमार विदानी, वीडियो बेस्ड ऑन टीचिंग इंग्लिश प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो प्रीवियस वीडियो के रिमेनिंग पार्ट पर बेस्ड है, जो इस प्रकार से है। हेयर क्वेश्चन नंबर 51 इज गिवेन, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। फ्रेंड्स, यहां पर ऑप्शन में दिए गए वर्ड में सही स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है, तो इसका सही स्पेलिंग वाला वर्ड है एलेक्सिर, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 1। क्वेश्चन नंबर 52, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सी इज इग्नोरेंट डैश डैश व्हाट शी प्रिटेंड्स टू नो। यहाँ पर आपको खाली जगह में सही प्रीपोजिशन भरना है, इसका सही प्रीपोजिशन यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 इज गिवन हियर, यस। क्वेश्चन नंबर 53 इज फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर आपको मिस स्पेल्ड वर्ड यानी कि गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, इसका सही जो ऑप्शन है वो 4 है। डायलेमा की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, डायलेमा की स्पेलिंग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, डबल एम होगा लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 54, कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। द सेंटेंस इज द टर्म नॉवेल वाज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड। ये नॉवेल जो वर्ड है ये किस शब्द से लिया गया है ये आपको बताना है, इसका जो सही उत्तर है वो है नॉवेला, नॉवेला से लिया गया है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि नोवेला जो है एक ऐसा टर्म है जो लिटरेरी टर्म से है, इटालियन वर्ड का शब्द है ये, स्पेनिश वर्ड नोवेला और फ्रेंच वर्ड नोवेला से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर दिए गए वर्ड में सही मीनिंग आपको बताना है यानी कि सिनोनिम बताना है। क्रीवन यहाँ पर वर्ड दिया गया है, इसका सिनोनिम आपको बताना है, तो इसका सिनोनिम है कावर्डली यानी कायरता से, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 56, पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्सट्रीम पॉवर्टी हैड रिड्यूस्ड देम टू ए स्टेट ऑफ एपैथी। एपैथी के लिए आपको यहाँ पर एंटोनिम बताना है, तो इसका सही एंटोनिम है कोऑपरेशन, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस इज द आइलैंड फेरीज हैज़ बीन रिटन बाई। आयरलैंड फेरीज किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है, इसका सही आंसर यहाँ पे दिया गया है गाल्सवर्दी, गाल्सवर्दी के द्वारा फेरीज लिखा गया है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 58 इज गिवन हियर, कंप्लीट द सेंटेंस। द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजडी इज नोन एज। ट्रेजडी में जो जजमेंट के लिए एरर होता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको ऑप्शन से बताना है, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट में जरूर बताएं कि इसका सही ऑप्शन क्या है, हेमरेजिया है, टेस्टी ऑफ ब्लड है, या कैटास्ट्रोफी है, या कैथरेसिस है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 59 इज गिवन हियर, यस। ए लिरिक इज, लिरिक क्या है आपको बताना है यानी डिफाइन करना है। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका सही जो आंसर है वो लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेज हिज और हर इंटेंस पर्सनली फीलिंग्स। ये इसका सही आंसर है, यानी कि लिरिक एक ऐसी शॉर्ट पोएम होती है जिसमें पोएट जो है अपने विचारों को, अपने पर्सनल फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देयर वाज, यहाँ पर आपको खाली जगह में सही ऑप्शन भरना है, इसका सही ऑप्शन है देयर वाज ए फ्लाई इन द मिल्क, ये एक प्रोवर्ब है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। क्वेश्चन नंबर 61, फिल इन द गैप। यहाँ पर जो गैप है इसको आपको फिल करना है ऑप्शन से। गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद। गाल्सवर्दी के द्वारा लिखित द सिल्वर बॉक्स ये किससे रिलेट करता है आपको बताना है, इसका सही आंसर है द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस से रिलेट करता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 62, फिल इन द गैप। यहाँ भी आपको गैप में भरना है, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। ये भी गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया नाटक है जिसमें आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा, तो इसका यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई भी ऑप्शन लागू नहीं होता है, नन ऑफ द अल्टरनेटिव इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर अगर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 63, हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। यहाँ पर आपको बताना है कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज आपके लिए मैं कई क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, देखता हूँ आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। क्वेश्चन नंबर 64 इज गिवन हियर, यस। क्वेश्चन नंबर 64 इज कंप्लीट द सेंटेंस।
सिंप्लिसिटी स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ सिंप्लिसिटी स्वीट म्यूजिक और मेलोडी, ये किसके फीचर होते हैं आपको बताना है। ये ऑड के होते हैं, स्रोत जिसको हिंदी में कहते हैं स्रोत, इसके ये फीचर होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज थ्री। क्वेश्चन नंबर 65, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जो इनसे आपको ये गैप फिल करना है। हिज विश इज टेस्टामाउंट डैश डैश ए कमांड, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे टू, यहाँ पे टू भर देंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज थ्री। क्वेश्चन नंबर 66, इन विच ईयर वॉज जस्टिस पब्लिश्ड, जस्टिस किस साल में पब्लिश हुई, ये गाल्स वर्दी के द्वारा जो है लिखा गया है। इसका सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 4, 1910 में ये पब्लिश हुई थी, गाल्स वर्दी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 67, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज इन टू एसर्शन। यहाँ पर आपको दिए गए सेंटेंस को जो है असर्टिव सेंटेंस में, यहाँ एसर्शन लिखा हुआ है, असर्टिव सेंटेंस में आपको इसको कन्वर्ट करना है। इसका सही ऑप्शन दिया गया है, पहले यहाँ पर सेंटेंस देख लेते हैं। इफ ओनली आई हैड कम वन आवर एलियर, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पर काल्पनिक है, इसलिए हो जाएगा आई विश आई कुड कम हेयर, आई कुड कम वन आवर एलियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 इज गिवन हेयर, कंप्लीट द सेंटेंस जस्टिस सूज प्रॉब्लम्स ऑफ, जस्टिस किसकी प्रॉब्लम को बताता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, अमेरिकन लीगल सिस्टम, स्कॉटिश सोसाइटी, ये एक भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको जानकारी है तो। क्वेश्चन नंबर 69, फिल इन द गैप विद एप्रोप्रिएट वर्ड, सेंटेंस इज गिवन एज आई एम बैडली इन नीड डैश मनी। तो इसका सही यहाँ पर प्रीपोजिशन हो जाएगा ऑफ, नीड ऑफ हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 70 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 70 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म की मीनिंग क्या होती है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होता है लिटरेरी थेफ्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। लिटरेरी थेफ्ट का मतलब होता है साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी कहा जाता है इसको, साहित्यिक चोरी होता है ये। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, यदि वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो आप अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन।